जन्नत है अपनी ही शान, धरती माँ है धरती, मंदिर है खलिया। तू अमृत जो बोएगा धरती सोना उगलेगी, तू अमृत जो बोएगा धरती सोना उगलेगी। अपनी हिम्मत अपना ईमान, अपनी मेहनत है अपनी ही शान। वहां पसीना कम नहीं, घर जलता सूरज गम नहीं, पसीना कम नहीं, घर जलता सूरज गम नहीं। मेहनत तब रंग लाती है जब हर माँ रोटी पकाती है, अन्नदाता खुश होता है जब देश भर पेट सोता है। अमृत जो बोएगा धरती सोना उगले। नमस्ते विश्वनाथ जी। अरे नमस्ते आनंद भाई, नमस्ते। क्या बात है, आज किधर मैदान मारने निकल पड़े हा? अरे आज शाम को मीटिंग है, आपको आना है उसके लिए। अरे आप किस बात की मीटिंग है भाई? बापू जीवित खेती की मीटिंग है। अरे मुन्ना तू? अरे पैदल आ रहा था, मैंने कहा चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अच्छा अभी चलता हूँ, बाकी के लोग भी बुलाना है। बाय बाबू। मीटिंग चल, अब घर जाने का टाइम आ गया। अरे अम्मा को नहीं बुलाना है क्या? उतर अब, चल के जा। सुन ये अपनी अम्मा को देना ठीक है, और दादाजी को भी बताना। भैरों को दूध नहीं चाहिए। जैविक है क्या? पहले टॉफी दो फिर बताऊंगा। अब बता। मुझे भी मालूम नहीं, पिक्चर देखने के बाद पता चल जाएगा। अरे अपना बस्ता तो अंदर लेके जाओ। काहे की फिल्म का बात कर रहा था ये? बाबूजी कुछ जैविक जैविक बोल रहा था, पता नहीं क्या है ये। सुना है आज शाम को मीटिंग है और बड़े पर्दे पर पिक्चर भी दिखाएंगे। भैरों को दूध नहीं चाहिए। अरे मुन्ना बेटा ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो मेरी तरह खेत में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ये जान ले। ये पंप लाद कर स्प्रे करते रहना पड़ेगा, समझा? इसलिए बेटा मैं कह रहा हूँ जरा अच्छे से पढ़ाई कर ले, शहर जाकर बड़ा आदमी बन। मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी। अरे बड़ा आदमी नहीं बनना तो क्या है?
तो मेरी तेरे उम्र भर खेत में मिट्टी खोदना है? खुश रहो बेटा। अरे विश्वनाथ, ये जैविक होता क्या है? अरे कुछ नहीं है बाबूजी, ये जो आसपास के किसान आजकल खेतों में दवाइयां डाल रहे हैं ना, अरे ये मैं पिछले 4-5 साल पहले डाल चुका हूँ। अब भाई कंपनी वालों को कुछ तो चाहिए ना हमें टिकाने के लिए, इसलिए किसी पुरानी दवाई का नाम जैविक रख कर ले आए होंगे। कुछ नहीं है जैविक पैविक। पर मीटिंग में जाने में हर जाए ही क्या है, ऊपर से पिक्चर भी दिखाएंगे वो लोग। चलते ना विश्वनाथ, फिल्म देखेंगे। जी नमस्कार, आप सभी का आज यहाँ स्वागत है। हमारे गांव के सरपंच देवराम चौधरी जी हमारे कंपनी के बड़े ऑफिसर शेखर माथुर साहब का आज स्वागत करेंगे। अब शेखर साहब आप सभी लोगों से दो शब्द कहेंगे। धन्यवाद। लीजिए सर। आज यहाँ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं अपनी कंपनी ट्रॉपिकल एग्रो की तरफ से आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारी कोई पहली मुलाकात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो हमारी पहली मुलाकात जैसी ही है, क्योंकि आज आप जो इस पर्दे पर देखने वाले हैं शायद आप लोगों ने पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसकी यादें कुछ धुंधली हो गई। आज हम उन्हीं धुंधली यादों पर फिर से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि आज से आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो, और किसी भी नई बात को जिंदगी में अमल में लाने के लिए पहले उस बात का पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। खास इसीलिए हमने ये फिल्म आपके लिए बनाई है। फिल्म खत्म होने के बाद फिल्म के बारे में आपकी राय जानने में हमारी बहुत उत्सुकता है, और जो लोग देर तक नहीं रुक सकते और इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी कंपनी के प्रतिनिधि आनंद कुमार जी कल उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। आइए हम लोग फिल्म देखते हैं। जैसे कि हमारे देश के किसान, वो सदियों से हमारे अन्नदाता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, अगर कुछ बदला है तो वो है खेती के प्रति हमारा नजरिया और खेती करने के हमारे तौर तरीके। सैकड़ों शताब्दियों तक शिकारी और घुमंतु प्रजाति बने रहने के बाद मनुष्य को जब अन्न के उत्पादन की विधि और उसका महत्व समझ में आया तो उसने अपनी बंजारा जीवन शैली को छोड़कर किसी एक जगह बसकर खेती करने का फैसला लिया। सदियों के अनुभव ने उसे खेती की बारीकियों को अच्छी तरह समझा दिया। उसे ऋतु चक्र और मौसम का ज्ञान हो गया। उसे मिट्टी की ताकत का, उसके स्वभाव का अंदाजा आ गया। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल और किस मौसम में कौन सी पैदावार सबसे अच्छा परिणाम देगी, ये भी वो जान गया था। मनुष्य ने प्रकृति के साथ उसके अनुसार खेती की और उसके सुखद परिणाम भी उसे मिले। खेती के सारे औजार एवं तौर तरीके प्राकृतिक थे।
खेत जोतने के लिए बैलों और लकड़ी के हल का इस्तेमाल होता था। उस समय मिट्टी बहुत स्वस्थ और मुलायम थी, इसलिए हल के सहारे खेत जोतना बहुत आसान था। खाद के तौर पर गोबर का इस्तेमाल होता था। कहीं कहीं पिछली फसल के बचे हुए अवशेषों को भी खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और तो और, मिट्टी में केंचुए जैसे कई तरह के मित्र कीट या जीव रहते थे, जो किसानों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहतरीन किस्म की खाद भी उपलब्ध करवा देते थे। साथ ही खेत की मिट्टी को ऊपर नीचे कर उसकी उर्वरकता को बढ़ाने में बड़ी सहायता करते थे। पुराने समय में भी फसलों पर कीड़े तो लगते थे, पर उनसे निपटने के लिए बहुत असरदार एवं बेहद आसानी से उपलब्ध कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता था, जिसे किसान खुद अपने घर पर ही उपलब्ध सामग्री से तैयार कर लेते थे। पंचगव्य इसी तरह का एक असरदार कीटनाशक था, जो गोमूत्र, गाय के दूध से बने घी, गोबर और ऐसी ही अन्य सामग्रियों के उचित मिश्रण से तैयार किया जाता था। इस सब के परिणाम स्वरूप जो उपज पैदा होती थी वो बहुत ही स्वास्थ्यकर होती थी। उस पर किसी भी तरह के हानिकारक रासायनिक पदार्थों का अंश मात्र भी नहीं मिलता था। ऐसी फसल से प्राप्त अन्न खाने वालों के स्वास्थ्य में वृद्धि ही करता था। इसीलिए उस समय के लोग बड़े ताकतवर और मेहनती हुआ करते थे। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित कसरत के कारण आजकल की बीमारियां जैसे हृदय रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कम ही लोगों में पाई जाती थी। साथ ही साथ पर्यावरण भी एकदम खुशहाल रहता था। तरह तरह के पक्षी खेतों में आसपास घोंसला बनाकर रहते थे। पक्षी खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाकर फसलों की रखवाली करते थे। कुल मिलाकर यह व्यवस्था सभी के लिए बड़ी फायदेमंद थी। मुझे आज भी याद है, उस समय मेरी उम्र 10 साल के करीब थी। मेरे दादाजी उस वक्त भी खेतों में पसीना बहाते थे, घर परिवार के सारे काम काज भी करते थे और अखाड़े में मेहनत भी करते थे। उन्हें हरा देना आसान नहीं था। जिंदगी भर दादाजी ने खेतों में जी तोड़ मेहनत की और वहां पैदा हुई फसल ही खाई। बहुत उम्दा जीवन जिया। हम सभी बच्चों को उन्होंने अच्छी आदतें देने की कोशिश भी की, खाने पहनने को भी अच्छा दिया, पर फिर भी पता नहीं हमारे अंदर उन जैसी बात क्यों नहीं। भाई मुझे तो अखाड़े में कोई भी हरा सकता है। सही कहा, मैं भी इस बात को उतना ही मानता हूँ। उस वक्त के लोगों की बात ही कुछ और थी। मेरे पिताजी खेती के साथ साथ अपने गांव की कबड्डी टीम के सबसे बलवान खिलाड़ी माने जाते थे और उनका दमखम कमाल का था। इनके मुकाबले का दूसरा कोई नहीं था और उनकी खुराक भी ज्यादा थी और तो और ताकत भी, और उनसे कोई भी बच नहीं सकता था। 100 किलो के अनाज की बोरी अपने पीठ पे उठाना उनके लिए आसान था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो पहली वाली बात नहीं रही। वाकई अब वो पहली वाली बात नहीं रही। आज आप किसी को 100 किलो का बोझा उठाने को कहें तो वो 25 किलो में ही जवाब दे जाएगा। किसी को 1 मील दौड़ने को कहिए, वो 100 मीटर में ही हाफ जाएगा। ये समस्या आम होती जा रही है। आजकल हमारे देश में कम उम्र में लोगों को कई तरह की भयानक बीमारियां घेर लेती हैं। कभी सोचा है इन सब के पीछे क्या कारण है? ज्यादा दूर जाने की शायद आपको जरूरत ही ना पड़े। वही खेती और उससे निकली पैदावार जो आज से कुछ दशक पहले तक हमारे शानदार स्वास्थ्य की वजह थी, वही खेती ने और उसकी पैदावार ने आज हमारे गिरते स्वास्थ्य और हमारी जमीनों के बढ़ते बंजरपन का कारण है। देखें, आज हम कहां आ गए हैं, ये आज हमें किस कल की ओर ले जाने वाला है। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गांव में रहता है और अपनी रोजी रोटी के लिए आज भी कृषि पर निर्भर करता है। इसीलिए आजादी के बाद से ही खेती और किसानों को लेकर हमारी सरकारें गंभीरता पूर्वक विचार करती रही हैं। साठ के दशक तक आते आते भारत हरित क्रांति के लिए खुद को तैयार कर चुका था। पैदावार बढ़ाने के लिए और आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर एक प्रयोग करने के लिए सरकार कमर कस चुकी थी। किसानों के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक
और रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध करवाए गए थे ताकि पैदावार इस हद तक बढ़ाई जा सके कि भारत खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। और कुछ ही वर्षों में भारत के किसानों ने भारत को वो गौरव दिलवा भी दिया। इस हरित क्रांति ने किसानों को सच्चे अर्थों में अन्नदाता बना दिया। पर ये चमक ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और उपचारित बीजों के जहां अपने अनेक फायदे होते हैं, वहां उनके अनेक ऐसे नुकसान भी थे जो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आज हमारे समाज में वैद्य चिकित्सा संबंधी प्रगति तो बहुत हुई है, पर बीमारी भी काफी मात्रा में दिखाई देती है। और पहले जो बीमारियां ज्यादातर बुढ़ापे में होती थी, वो अब कम उम्र में ही हो रही है। इस रासायनिक खेती की वजह से तो पहले हमारी जमीन बीमार हो जाती है, पर रासायनिक खाद से हम बढ़ा हुआ उत्पादन तो बढ़ते देखते हैं। पर ये जो बने बनाए खाद का हम उपयोग करते हैं, वह सारे फसल के लिए सही है या जरूरी है ऐसा तो नहीं होता। तो उसमें से कुछ बेकार हो जाते हैं, कुछ जहरीले यौगिक खाद बन जाते हैं, वहाँ जमीन में ही पड़े रहते हैं या फिर पानी में घुल के रह जाते हैं, कुछ वायु बनकर हवा में घुल जाते हैं। इस तरह से मिट्टी, पानी, हवा, पर्यावरण, इन सब चीजों में रासायनिक निवेश से रासायनिक इनपुट्स, खाद जिसे हम कहते हैं, इस सभी की वजह से प्रदूषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जमीन में पोषक तत्वों का संतुलन वहीं से खराब हो जाता है। और हमें पता है कि जहां संतुलन खराब हो वहां स्वास्थ्य भी खराब हो ही जाता है और फिर बीमारी शुरू हो जाती है। रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव से कीटों के आक्रमण के चलते उपज को होने वाले नुकसान में भारी कमी आई, पैदावार बढ़ी। पर यह भी उतना ही सच है कि कीटनाशकों ने फसलों को मदद करने वाले मित्र कीटों, मधुमक्खी और केचुए इत्यादि का भी सफाया कर दिया। और इससे भी बढ़कर रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोगों ने उनसे संपर्क में आने वाले किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों की सेहत पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया। केरल के कासरगावड़ा क्षेत्र में काजू के बागों पर करीब 25 साल तक हुए अंधाधुंध छिड़काव के चलते वर्षों तक हजारों लोग जन्मजात भयंकर शारीरिक और मानसिक विकृतियों के साथ पैदा हुए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के दुष्प्रभाव से प्रभावित पंजाब के भटिंडा शहर से एक ट्रेन राजस्थान के बीकानेर शहर जाती है। ये ट्रेन कैंसर ट्रेन के नाम से बदनाम है क्योंकि इस ट्रेन में हर दिन औसतन कैंसर के 60 मरीज होते हैं जो एक हल्की सी उम्मीद की तलाश में सैकड़ों मील का सफर तय कर जाते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के भयानक असर को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे अपने भाई ने कुछ समय पहले कैंसर के रोग से तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दी। वो भी एक किसान था, दूसरों की देखा देखी उसने भी इन जहरीली दवाइयों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ना छिड़काव के बाद कोई सावधानी बरती, वो खेतों में बिना मुंह ढके घूमता रहता था। वही अनाज और फल उसने दिखाए, आखिर उसकी आंतों में कैंसर हुआ। मेरी आंखों के साथ
किसानों की और खेत में काम करने वाले मजदूरों की अपनी सेहत का भारी नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही अधिक से अधिक उपज पाने के लिए कीटनाशकों, उर्वरकों और उन्नत बीजों का बिना सोचे समझे अंधाधुंध प्रयोग होने लगा है। परिणाम स्वरूप जमीन कठोर और बंजर होती जा रही है। पहले मिट्टी अक्सर मुलायम होती थी, इसलिए बैलों वाले हल उस पर आसानी से चल जाते थे, पर अब खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है, इसलिए ट्रैक्टरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उधर रासायनिक कीटनाशकों के प्रति नई प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न कर कीट हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर हमला करने लगे। हरित क्रांति की शुरुआत में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग 30 दिन में केवल एक बार होता था, बाद में ये अवधि 20 दिन, फिर 15 दिन और इन दिनों वही अंतराल केवल 10 दिन में सिमट कर रह गया है। परिणाम स्वरूप किसानों पर अलग अलग किस्म के और साथ ही साथ सतत अधिकाधिक कीटनाशकों के प्रयोग का बोझ पड़ने लगा है। इस सब के चलते वो कर्ज के बोझ में दबते चले जा रहे हैं और इसीलिए हमें दिनों दिन देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों की आत्महत्या की खबरें मिलती रहती हैं। लोग किसानों को दोष देते हैं, उन्हें गवार कहते हैं, किंतु कोई उनकी तकलीफों को नहीं समझ पाता। किसान भी इसी समाज का हिस्सा है, अपने बच्चों के लिए वही सब चीजें चाहता है जो बाकी लोग चाहते हैं, अच्छा खान पान, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा भविष्य। किंतु आज किसान खुद तकलीफ में है, वो अपनी फसलों को सुरक्षित रखना चाहता है, बाजार और लोगों तक सेहतमंद माल पहुंचाना चाहता है, वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। अब तो ये हाल है कि साफ हवा में रहने वाले, साफ सुथरा खाने वाले किसान परिवार को भी इन्हीं बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। किसी न किसी को कुछ करना होगा, कोई इलाज ढूंढना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। खुशी की बात है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कोई है जो इस दिशा में पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा है, जिससे कि किसानों को उनकी तकलीफों से मुक्ति दिलाई जा सके, पैदावार की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, उसे जानलेवा जहर की गिरफ्त से आजाद करवाया जा सके, जिससे कि देश भर के उपभोक्ताओं को फिर से एक बार शुद्ध और स्वस्थ भोजन मिल सके। आइए देखते हैं ऐसे कौन से क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और कौन है वो लोग जो किसानों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए इतनी लगन से काम कर रहे हैं। ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो झवर उद्योग समूह का हिस्सा होने के साथ साथ भारत में उपज संरक्षण और व्यवस्थापन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में अम्बातुर चेन्नई में हुई थी। उच्च तकनीक पर आधारित ट्रॉपिकल एग्रो के भारत भर में 3 कारखाने हैं। ट्रॉपिकल एग्रो ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बेंगलुरु और कोयम्बटूर में जैविक उत्पादों की निर्मिति के कारखाने और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। कंपनी के 600 से अधिक कर्मचारी, जिनमें 200 से ज्यादा कृषि विशेषज्ञ हैं, किसानों की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुटे हैं। भारत के 22 राज्यों में कंपनी के उत्पादों की बिक्री और वितरण की व्यवस्था को संभालने के लिए 6000 से ज्यादा विश्वसनीय व्यावसायिक भागीदार हैं। इस बेहतरीन वितरण व्यवस्था का लाभ अब तक देश भर के 10 लाख से अधिक किसान उठा चुके हैं। कंपनी के पास केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति से मान्यता प्राप्त 200 से अधिक उत्पाद हैं। ट्रॉपिकल एग्रो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदनाशक और जैविक खादों की सबसे व्यापक श्रेणी भारत में उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र कंपनी है। ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी को बुलंदियों पर ले जाने वाले श्री वी के झवर बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। खुद उनके शब्दों में, उनका पढ़ाई में कभी ज्यादा मन नहीं लगा, वो शुरू से ही अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते थे। सन 1978
उनके जीवन में बड़ा निर्णायक साबित हुआ। इसी साल उन्होंने न सिर्फ विवाह किया बल्कि इस कंपनी यानी ट्रॉपिकल एग्रो की कमान संभालने का निर्णय लिया। अपने अंदर आए सारे सकारात्मक परिवर्तनों का श्रेय श्री झंवर ध्यान और आध्यात्म को देते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि हर किसी को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। इससे न सिर्फ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है बल्कि व्यक्ति कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाता है। ध्यान व्यक्ति के अंदर से अहंकार की भावना हटाकर सहकार की, साथ काम करने की भावना जगाता है। ध्यान हमें प्रकृति के और भी करीब ले जाता है, जो आज के इस तेज रफ्तार जमाने में बेहद मुश्किल होता जा रहा है। श्री झंवर नई पीढ़ी से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और वायु की प्रदूषण से रक्षा करेंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनकी कंपनी ऐसे जैविक उत्पाद तैयार करती है जिससे न सिर्फ इन सभी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है, लोगों की सेहत में भी सुधार होता है। कहावत भी है कि खोई दौलत वापस कमाई जा सकती है, पर खोई हुई सेहत वापस पा लेना बेहद मुश्किल होता है। जय जवान, जय जैविक किसान। साढ़े 11 बज चुके हैं, कब सोएंगे कब उठेंगे? सुबह ओस ना पड़े तो अच्छा है, नहीं तो फिर वही सीधे 8:30 बजे जाकर स्प्रे करना पड़ेगा। अरे वासु, तुम ये मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो भाई? अरे देखो, मुन्ना को चादर उड़ा दो, तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 20 टंकी स्प्रे मारना है, लोड शेडिंग हुई तो तुम्हें पानी भी लेकर आना पड़ेगा। सो जाओ जाके। सुनो जी, आज पिक्चर में जो कुछ भी दिखाया सब सच है क्या? उस औरत का भाई और मेरा भाई दोनों एक ही उम्र के होंगे ना? अपने दिनेश को भी बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी चीज की आदत नहीं थी, फिर उसको कैंसर क्यों? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आसू, अब उसके नसीब में कैंसर ही लिखा था तो हम क्या कर लेते? नसीब नहीं, मेरे साथ जब भी खेत में आता कच्ची सब्जियां ही खाता, कच्ची भिंडी, टमाटर, काकड़ी। मैं बोल बोल के थक गई भाई, धो कर खा आंसू। दरअसल क्या है कि तुम्हारे ऊपर उस पिक्चर का भूत सवार है। जाओ चुपचाप सो जाओ, मुन्ना को भी ठीक से सिलाओ। ना, मुन्ना भी तो कच्ची सब्जियां खाता है जी। मेरे मन में अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी उठना, मैं थक गया हूं, जाओ सो जाओ। पर देखो, जो किस्मत में लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता, समझे? जाओ सो जाओ, चलो। अच्छा, बत्ती बंद कर दो।
अरे वासु बत्ती बंद कर। वासु मैंने तुमसे कल ही कहा था कि सुबह जल्दी निकलना है और तुम्हारी ये खटर पटर अभी तक चल रही है। 20 टंकी स्प्रे मारना दोपहर हो जाएगी, जल्दी चलो यार। सुनो जी, मैं कहती हूँ ये स्प्रे मारना जरूरी है क्या? कितने कीड़े लग गए सब्जियों में वासु, अगर स्प्रे नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, पर हम अपने खेतों में गोबर खाद डालते हैं ना, तो रासायनिक खाद डालने का क्या मतलब है? क्या मतलब है क्या का? हा? अगर गोबर खाद से काम चलता तो हम ये रासायनिक खाद क्यों इस्तेमाल करते? अरे चार टोकरी गोबर खाद एक तरफ और एक मुट्ठी रासायनिक खाद एक तरफ, समझ में आया? सुनो जी, अपने पास बैल भी तो है, तो हम ट्रैक्टर से खेत क्यों जोतते हैं? अरे मैं पिछले एक घंटे से चलो चलो की रट लगा रहा हूँ और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा इंटरव्यू ले रही हो। ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो, गुठलियां मत गिनो, चलो अब यहाँ से। अपने घर में मुझे बीमारियां नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं मेरे बेटे को दवाई से भीगी हुई सब्जियां नहीं खिलाऊंगी। कल वो पिक्चर क्या देख ली, आज डॉक्टर नहीं बन गई हो और मुझसे बहस कर रही हो? जी अच्छे समय पर आए हो, ये बताओ तुम क्या चाहते हो? ये पिक्चर दिखाकर हमारे घर में झगड़ा लगवाना चाहते हो क्या? अब तुम हमें खेती करना सिखाओगे? 10 साल का था, 10 साल का, तब से खेतों में अपने हाथ से हल चलाया मैंने, आ जाओ तुम हमें खेती करना सिखाने के लिए। अरे जितनी दवाइयों के तुम्हें नाम तक नहीं याद होगे ना, उससे कहीं ज्यादा दवाइयां मैं अपने खेतों में इस्तेमाल कर चुका हूँ। खबरदार जो आज के बाद तुम यहाँ आए किसी पिक्चर फिक्चर मीटिंग सीटिंग के लिए बुलाने के लिए। आनंद भैया आप इनकी बात मत सुनिए, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा किया आपने जो हमें सिनेमा दिखा दिया, मेरे मन में बहुत से सवाल हैं आनंद भैया। वसुंधरा अब मेरे सब्र की इम्तिहान हो रही है, अब मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत कर, सब्र का इम्तिहान मत ले तू मेरा बस। लेकिन अरे विश्वनाथ वो क्या कह रही है समझ तो ले। अरे कुछ नहीं कह रही भाऊजी, जब से वो पिक्चर देख के आई दिमाग खराब हो रखा है इसका, एक ही बात की रट लगा रखी है, ये क्यों नहीं करते वो क्यों नहीं करते, अरे नहीं करता यार मेरी मर्जी। और तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो घूमने के लिए एसी कार चाहिए, रहने के लिए बंगला चाहिए, तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तो हम किसानों के बच्चे क्यों ना पढ़े? नहीं देना चाहते ये फवारा हम अपने बच्चों के हाथों में। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि इसे कभी ये फवारा मारने की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए शानदार जैविक खेती करो और मरो। मुझे एक बात बताओ, मेरे खेत में पिछले साल 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं निकला था, क्या तुम्हारा ये जैविक देगा 25 क्विंटल गेहूं? बिल्कुल देगा, पर आपको आपके खेत की देखभाल करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये मिट्टी कोई दवा की बोतल नहीं कि स्प्रे की और फेंक दी, अरे इस मिट्टी ने पीढ़ियों से हमारा साथ दिया है और हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? ये बुझी जमीन, ये बंजर हो चुकी धरती, अब आप ही बताइए। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर ये जैविक है क्या? मैं आपको बताता हूँ। आप बाबूजी को समझाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। और चुपचाप चाय पियो और यहाँ से निकल लो, खबरदार यहाँ बैठकर इन लोगों को बहकाने की कोशिश की तो। कैसे बात कर रहे हैं आप, मेहमानों से कोई ऐसे बोलता है क्या? और फिर वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं ना। अब तुम मुझे बताओगी वो कैसे के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? अपनी अकल जरा अपने पास ही रखो, नहीं तो जानती हो ना सुबह से दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे जब ब्याह कर लाया था तो गाय और बैल में फर्क नहीं मालूम था, मैंने सिखाया मैंने, और आज चली मुझे खेती करना सिखाने वाली। औकात में रहो अपनी, मत आना मेरे काम के बीच में। मेरा बच्चा दवाइयों वाली सब्जी नहीं खाएगा, अरे तो मिट्टी खाएगा वो। अरे जब हम सब किसान खेतों में मेहनत करते हैं तब जाके कहीं सब लोग भरपेट सोते हैं। देश भर पेट सोता है तो फिर क्यों कोई रोता है। आ, 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 आ,
उस चिंता का कीट लगा, किस माँ की कुख है उजड़ी, पहला बोल देती थी, उस प्यार में किसने जहर सा घोल दिया, छाटता था जो खुशी, बांटता था जो हंसी, उस दाता को किसने जालिम बोल दिया, मौत ही उगलेगी। कर हिम्मत, अब कर हिम्मत, अब कर हिम्मत, नया सवेरा आएगा, खेत खेत लहराएगा, नया सवेरा आएगा, खेत खेत लहराएगा। अब वो नहीं, कब वो नहीं, लालच की अंधी होड़ नहीं, झूठ की कोई दाढ़ नहीं, दिल पे काली छाप नहीं, फसल में जहर का साप नहीं, कोई ताप नहीं, संताप नहीं, कोई पाप नहीं, जय जवान, जय जैविक किसान। आनंद भैया, मैं जैविक तरीके से खेती करके देखना चाहती हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं अपने काम में सफल रही तो मेरे पति भी जैविक तरीके से खेती करने की शुरुआत कर देंगे। तो अब आप बताइए कि मुझे करना क्या है। आपका भरोसा देख के मुझे यकीन हो गया है कि आपको जैविक खेती में सफलता मिलेगी, और जरूर मिलेगी। और जैविक खेती बहुत आसान है। जैसे बच्चे को शुद्ध और पोषक दूध मिले, इसके लिए माँ शुद्ध और पोषक खाना खाती है, ऐसी कोई दवाई नहीं खाती जिससे कि उसकी सेहत पर बुरा असर पड़े। बस ऐसी कुछ बातों का ध्यान जैविक खेती में रखना है। आपको आपके खेत में सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, वो भी जो हमारी कंपनी ने खास तौर से आपके लिए बनाए हैं। इन खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से धरती माता के उपजाऊपन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है कि इन उत्पादों से मिलने वाली उपज के सेवन से किसी की भी स्वास्थ्य पर, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, किसी तरह का कोई बुरा असर न पड़े। पर ये जैविक खाद और कीटनाशक मिलते कहाँ हैं? किसी भी खाद बीज की दुकान पर। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको आपके खेत में लगाना क्या है। हमने कुछ दिनों पहले अपने जमीन पर सब्जियां लगाई हैं, और उसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं डाला है अभी तक। तो उसी में से एक एकड़ जमीन पर मैंने जैविक तरीके से खेती करने का फैसला किया है। बढ़िया, मैं कल ही आपके खेत पे आता हूँ और आपके एक एकड़ के लिए आपको सैंपल देके जाता हूँ, और आगे आपको बताते रहूँगा कि आपको किस तरह के जैविक उत्पादों का प्रयोग करना है। जी। ये क्या नया तमाशा है? सुनो जी, कंपनी के दावे में कितना दम है ये देखने के लिए एक एकड़ खेत पर जैविक खेती करके देखते हैं ना। तेरी जैविक खेती की तो अभी के भी अपना सामान बांध और मायके निकल। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीबी जो अपनी मनमानी करती हो। मालूम है तुझे कितने महंगे रोप लगाए मैंने? मैंने नहीं, हमने लगाया है। 14 साल हो गए इस ब्याह को। जब से आपके घर में आई हूँ, दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात, आपके साथ खुद को भी खपाया है मैंने इन खेतों में। तो फिर जा, अब जाकर अपने बाप के खेत में जान खपा। क्या बकवास कर रहा है विश्वनाथ तू? उसको अपने बाप के खेत में खपने के लिए कह रहा है? अरे अभी मैं जिंदा हूँ, और ये मत भूल कि जमीन मैंने ही दी तुझे। उम्र निकल गई, लेकिन इस धरती ने हमेशा सोना दिया है हमें। ये मिट्टी हमसे कभी नहीं रूठी, लेकिन अब देखो ये हालत क्या दुर्दशा हो रखी है इसकी। जैविक खेती आने वाले समय की बस यही एक मांग है वसुंधरा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू लगा आपने एक एकड़ में खंबे, और विश्वनाथ वो रहा तेरा एक एकड़। देखता हूं तुम दोनों में जीत किसकी होती है। वसुंधरा लगा खंबे, देखता हूं कौन रोकता है।
हमारा भी माल लेके जाओ ना ट्रैक्टर पे। जैविक माल ट्रैक्टर पर? बेटा तुम्हें तो बैलगाड़ी चाहिए, बैलगाड़ी उसमें लेकर जाओ। अरे बापू बैलगाड़ी बेटा। बापू बापू हमारा माल, बापू। सुन रहा, सोच क्या रही बेटा, बैल खोल। Thank you.
चाचा अच्छे टमाटर हैं, रुपए किलो जैविक वाले टमाटर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ले लो आ जाओ आ जाओ 35 रुपए किलो 35 टमाटर 30 रुपए किलो लाल लाल जैविक वाले टमाटर किलो 30 रुपए देखिए 35 रुपए किलो जैविक वाले के टमाटर 30 रुपए किलो। आपके पास 30 रुपए और इनके पास 35 रुपए, ऐसे क्यों भैया जी? आप वजन करो, लो एकदम ताजा जैविक माल लो, रासायनिक खाद कीटनाशक के बिना वाला ताजा ताजा एकदम शुद्ध। भैया जी रुको, क्या हो गया जी? क्या आपका माल सचमुच जैविक है? एकदम 100% जैविक। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है और वो कहती है कि दूसरों के बच्चों को सब्जियों में मिला हुआ जहर नहीं देना है। अरे वाह, बड़े होशियार हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश और माँ का नाम वसुंधरा। वसुंधरा, जैसा नाम वैसे ही गुण। भैया जी कुछ सीखो इनसे, ये जैविक खेती कर रही है। मैं खुद एक अनाथालय की ट्रस्टी हूँ और मैं मेरे बच्चों को ये जहर नहीं खिलाऊंगी। वसुंधरा जी मैं ये सारे टमाटर खरीदूंगी। धन्यवाद मैडम जी। तौल दूं मैं? हाँ हाँ वजन करो। 30 रुपए किलो 30 रुपए किलो। तीस रुपए किलो। बापू मैं रुकता, पर अम्मा के पास ज्यादा पैसे ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तेरह सौ बीस 1340 1360 1380 1390। अरे बेटी कमाल कर दिया तूने तो पहली बार में ही। और अभी बचे हुए माल के तो और भी पैसे मिलेंगे। हाँ विश्वनाथ तूने कितना कमाया भाई? वाह बापू जी, पैसे छोड़ो ना, ये जैविक वाली सब्जी खा के देखो ना, बहुत बढ़िया बनी हुई है। सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है बेटे तूने और उगाई भी बहुत अच्छी है, पर तुझे तो खेती करनी आती नहीं थी, बैल और गाय में फर्क भी नहीं मालूम था तुझे, पर जिसने तुझे सिखाया वो तो खुद भी बहुत अच्छी खेती करता होगा। ये लीजिए। सुनो जी, कोई होड़ नहीं थी मेरी आपसे, वैसे भी खेती के बारे में जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। सच कहूं तो जब मेरे मन में आया कि मैं अपने बच्चे को ऐसी सब्जी नहीं खिला सकती तो
तो मैं दूसरों के बच्चों को ऐसी सब्जी कैसे खाने दे सकती हूँ? मुझे रात भर नींद नहीं आती है। एक बात कहूँ, किसी औरत को कोई भी गाली दे देंगे तो वो बर्दाश्त कर लेगी, पर अगर उसे पांच कहेंगे तो टूट जाती। तो अब अपनी धरती माँ को पांच कैसे बता सकते हैं? अगर जैविक तरीके से खेती की शुरुआत नहीं की तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी धरती माँ पंचर हो जाएगी। हम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते? मुझे माफ कर दो लासू, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। उससे मैं मर गई क्या? जानती हूँ जान छिड़कते हैं आप मुझ पर। पहला बोल देती थी उस प्यार में किसने जहर सा घोल दिया। छाटता था जो खुशी, बांटता था जो हंसी, उस दादा को किसने जालिम बोल दिया। बायोलॉजिकल्स उत्पाद कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सृजन में से एक है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे पास अत्याधुनिक नवीनतम तकनीक है जिससे हम सभी प्रकार के कीट प्रबंधन के समाधान के लिए जैविक उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी कंपनी के पास सबसे आधुनिकतम तकनीक और हमारे पास ऐसी डेवलपमेंट टीम है जो कृषक समुदाय में जैविक तकनीक का उपयोग और प्रसार करती है। कृषक समुदाय में विभिन्न नवीनतम तकनीकी को विकसित करने के लिए और जैविक उत्पाद सबसे अहम है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारी जैसे अग्रणी कंपनी उच्चतम तकनीक में सबसे आगे हैं और धरती माँ व पर्यावरण की रक्षा करती है ताकि मिट्टी में कार्बन संतुलन बना रहे और साथ साथ
किसान का भी विभिन्न कीट व रोगों की समस्या का समाधान होता रहे। हम कृषक समुदाय के साथ बहुत निकट से काम करते हैं और आज यहाँ सबसे खुशी की बात है कि इसमें इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की भागीदारी है। सिर्फ किसान की ही नहीं अपितु प्रसार कार्यकर्ता और तकनीकी कार्यकर्ता की भी है। तो यहाँ समस्त टीम का प्रयास है कि हमारी तकनीक किसानों के न्यूनतम स्तर तक पहुँचे और साथ साथ वातावरण को न्यूनतम प्रभावित कर खेतों में अधिकतम उत्पादकता प्रदान हो।